खरगोन जिले की बड़वा पुलिस ने शादी समारोह में मोबाइल चोरी करने वाले दो बदमाशों को पकड़ा है। सीसीटीवी में कैद एक बदमाश ने पूछताछ में खुलासा किया है। दरअसल एक सप्ताह पहले गोविंद सराय धर्मशाला में शादी समारोह के दौरान देर रात में दुल्हन और उसकी दो बहनों के मोबाइल चोरी होने से हड़कंप मच गया था। प्रकरण दर्ज करने के बाद बड़वा पुलिस ने धर्मशाला के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद अज्ञात बदमाश 21 वर्षीय अंशुल पिता सोहन को धर दबोचा है। अंशुल ने जुर्म कबूल किया। पुलिस ने रेकी करने वाले बदमाश 23 वर्षीय मनोज दिनेश वर्मा को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने शादी समारोह मोबाइल चोरी किए थे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सर, मोबाइल चोर के मामले में कुछ आरोपियों को पकड़ा है, क्या मामला? देखिए, ये गोविंद सराय धर्मशाला में एक शादी समारोह था करीब एक हफ्ते पहले, और रात में दुल्हन और उसकी दो बहनों के 3 मोबाइल अज्ञात चोर ने चोरी कर लिए थे। और हम लोगों ने इसका प्रकरण पंजीबद्ध करके वहां के आसपास के सीसीटीवी वगैरह खंगाले, जिसमें एक लड़का जो है सस्पेक्ट हम लोगों को सीसीटीवी कैमरे में मिला था, जिसकी तलाश पता रसी की। और तलाश पता रसी करके हमने उस अज्ञात व्यक्ति को पकड़ा। वो पकड़ने पर उसने जो है वारदात करना कबूल किया था। अज्ञात व्यक्ति से हमने मोबाइल बरामद किए हैं। उसने एक मोबाइल अपने एक साथी को भेज दिया था, वो भी हमने बरामद किया है, और इसमें दोनों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया है। सर, ये कहाँ? ठीक है, धर्मशाला के आगे सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। उस सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति आता दिखा था, मोटरसाइकिल से आ रहा है। उन्हीं सीसीटीवी से हमको लिंक मिला और उसको फिर हमने डेवलप करके पकड़ा है। तो सीसीटीवी कैमरे की इसमें अहम भूमिका रही है चोर को पकड़ने में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।